नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एजीएम मीट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि कल यानी थर्सडे को यहाँ पे रिलायंस एजीएम मीटिंग होने वाला है, उसमें हमें कुछ नए नए चीज़ें भी देखने को मिल सकता है। हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इस एजीएम मीट में क्या नया चीज़ आने की संभावना है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपने हमेशा देखा है कि रिलायंस एजीएम मीट में हमें कुछ हर साल नया देखने को मिलता है। जैसे कि 2019 की बात करें तो हमें यहाँ पे अरामको डील देखने को मिला था, जो उन्होंने जो फेसबुक गूगल उनके साथ जो टाइप किया था वो भी हम सुनने को मिला था। तो हमें उस साल 2019 में लगभग 9% का जंप भी देखने को मिला था, अगर हम एजीएम इवेंट की बात करें तो उस दिन। अगर दोस्तों मैं आपको पिछले 10 साल का डाटा दिखाता हूँ, देखिए आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं, तो ये साल पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 6 बार पॉजिटिव यानी एजीएम मीट के दिन यहाँ पे 6 बार इसने पॉजिटिव नोट दिया है, माफ कीजिएगा 6 बार इसमें नेगेटिव दिया है, 4 बार यहाँ पे पॉजिटिव नोट में क्लोज दिया है। लेकिन 2019 में इस कंपनी ने लगभग 9% का हमें अच्छा खासा उस दिन रिटर्न मिला था, मतलब जंप देखने को मिला था। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस यानी 2021 यानी 2021 में ये क्या हमें क्या सरप्राइज़ दे सकता है, क्या हमें डिविडेंड मिलेगा, क्या बोनस मिलेगा, क्या नया टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो हम एजीएम मीट से पहले क्या हो सकता है उस बारे में भी एक बार हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हो सकता है इस एजीएम मीट में हमें 5G के बारे में देखने को मिले या सुनने को मिले। हो सकता है वो कुछ यहाँ 5G को लेकर अनाउंसमेंट करे कि यहाँ पे हमें कि अगले 4 महीने या अगले 6 साल में हम 5G यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। हो सकता है इनका कुछ फ्यूचर प्लान रहे जो कि हमें अब कल ही पता चलेगा। इसके अलावा ये और रिलायंस रिटेल के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी रिलायंस रिटेल में बहुत अच्छे तरह से काम कर रही है। हो सकता है यहाँ पे जो फ्यूचर डील के साथ इनका जो भी पार्टनरशिप चल रहा है, उसे लेने की प्रक्रिया चल रहा है, उस बारे में भी ये यहाँ कुछ कह सकते हैं, उस बारे में भी कुछ अपना एक ओपिनियन रख सकते हैं। अगर रिलायंस फ्यूचर के बारे में भी कुछ यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ भी हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे आ रहा है, क्या ये हमें डिविडेंड देखने को मिलेगा, बोनस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे इसका थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है कि यहाँ बोनस देखने को मिले, डिविडेंड देखने को मिले। हालांकि एजीएम मीटिंग में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ हमें कुछ बोनस भी देखने को मिले। दोस्तों, अगर हम इसकी नंबर गेम की बात करें, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें, तो हम इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा देखने को मिला था, मतलब 5-स्टार देखने को मिला था। ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी हमें यहाँ अच्छा खासा प्रोग्रेसिव देखने को मिला था। दोस्तों, जब भी एजीएम मीट होता है तो उस दिन हमें एक इवेंट देखने को मिलता है रिलायंस शायद से, कि जैसे कि पिछले 10 साल में 6 बार हमें माइनस देखने को मिला और 4 बार हमें पॉजिटिव नोट में देखने को मिला। हो सकता है कल हमें यहाँ पे पॉजिटिव नोट में भी देखने को मिले। दोस्तों, रिलायंस एजीएम मीट का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ रहता है कि वो अपना फ्यूचर प्लान हमारे सामने शेयर करते हैं कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी के साथ क्या हो सकता है। तो हमें इस साल का जो सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये लग रहा है कि 5G के बारे में कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कंपनी कि और कहाँ से फंड और अरेंजमेंट करेंगे। दोस्तों, पिछले एजीएम मीट में भी यहाँ पे रिलायंस जो एजीएम मीट हुआ था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डेब्ट फ्री कंपनी बनाएंगे, और जस्ट डेब्ट फ्री यहाँ पे हो भी चुका है। उसके अलावा दोस्तों, जो एक चीज़ सबसे बड़ा चीज़ हमें देखने को मिल सकता है कि अरामको डील, यहाँ अरामको डील से भी लेकर कुछ यहाँ पे हमें चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं कि अरामको डील किस सीज़न में जा रही है, कि 2021-2022 के सेशन में अरामको डील भी होते हुए दिख सकता है। क्योंकि अरामको डील पिछले साल भी होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से हमें ये वाला डील पोस्टपोन्ड होते हुए दिखा। तो हो सकता है इस एजीएम मीट में अरामको डील के बारे में भी कुछ यहाँ पे हमें एजीएम मीट की ओर से कुछ सुनने को मिले। तो कुल मिला के बात करें तो हमें कुछ ना कुछ इस बार भी बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एजीएम मीट का जो इनका जो एक फिनोमिना है, इनका जो एक देखने का तरीका है, वो हमेशा फ्यूचर की बातें करते हैं कि इस कंपनी में हम ये प्लान कर रहे हैं, ये प्लान करने से आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। मतलब ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, ये फ्यूचर को लेकर अपना ओपिनियन स्पष्ट तौर पे बता देती है कि कंपनी का नज़र कहाँ पे है। जैसे कि पिछले बार इन्होंने बताया था कि हमारा पूरा फोकस अभी डेब्ट कम करने को है, और हम जल्दी से जल्दी डेब्ट कम करना चाहते हैं। डेब्ट कम करने चक्कर में जो अरामको से उनका बहुत ही बड़ा डील होने वाला था, वो फेल हो गया, तो उन्होंने सेकेंड गेट ओपन कर लिया। जैसे कि उन्होंने सिल्वर लेक के साथ, फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, इनके साथ करार किया, मतलब उन्होंने इनके कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो ये ऐसे करते करते ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। तो हमें कल एजीएम मीट में भी कुछ और बड़ा देखने को मिल सकता है। हम आशा करते हैं कि यहाँ पे कुछ और हमें बड़ा धमाका देखने को मिले।